नमस्कार जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 1932 के खतियान में होगा जिनका नाम, वही होंगे झारखंड के मूल निवासी। विधानसभा से बिल पास। 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता का बिल झारखंड विधानसभा से पारित हो गया है। झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य जो है लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में रखा। इस विधेयक के मुताबिक वे लोग झारखंड के स्थानीय अथवा मूल निवासी कहे जाएंगे जिनका या जिनके पूर्वजों का 1932 या उससे पहले के खतियान में दर्ज है, जिनका नाम खतियान में दर्ज नहीं होगा अथवा जिनका खतियान खो गया हो या नष्ट हो गया हो, ऐसे लोगों को ग्राम सभा सत्यापित करेगी कि वे झारखंड के मूल निवासी हैं या नहीं। भूमिहीन व्यक्तियों के मामले में स्थानीय व्यक्ति की पहचान ग्राम सभा द्वारा जो है संस्कृति, स्थानीय रीति रिवाज, परंपरा आदि के आधार पर की जाएगी। वही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि पिछले साल हमने सरना कोड पारित किया था, आज का दिन शुभ है। भाजपा के विधायकों के रिश्तेदारों के यहाँ लाखों करोड़ मिलते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। गरीब आदिवासी के यहाँ एक दाना नहीं मिलता है तो उसे फंसा दिया जाता है। अब ईडी सीबीआई से सत्ता पक्ष डरने वाली नहीं है, हम जेल में रहकर भी जो है आपका सुपड़ा साफ कर देंगे। रांची में युवती की हत्या से सनसनी, मर्डर कर शव फेंके जाने की आशंका। राजधानी रांची के पुंदाग इलाके से एक युवती का शव बरामद किया गया है। युवती की हत्या बड़ी ही बेरहमी के साथ की गई है। अपराधियों ने उसका सिर पत्थर से कुचकर उसे मार डाला है। जिस युवती का शव बरामद किया गया है उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस को आशंका है कि हत्या किसी और जगह करके शव यहां फेंक दिया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही हटिया डीएसपी राजा मित्र और पुंदाग थाना प्रभारी मौके पर पहुंच गए हैं। युवती की पहचान के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। आधार हर 10 साल में अपडेट कराना होगा। आधार संख्या को अब हर 10 वर्ष में कम से कम एक बार अपडेट कराना होगा। इसके लिए पहचान और निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा। केंद्र सरकार ने आधार नियमों में संशोधन कर इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक पहचान और निवास प्रमाण पत्र से आधार कार्ड को अपडेट कराना होगा, इससे जानकारी अद्यतन रहेगी। राष्ट्रपति के आगमन पर 14 तक शहर चकाचक। झारखंड स्थापना दिवस और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 15 नवंबर को रांची आगमन को लेकर नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को लेकर चल रही तैयारियों के बीच बैठक हुई। नगर निगम के उपनगर आयुक्त रजनीश कुमार की अध्यक्षता में कार्यालय में हुई बैठक में जोनल सुपरवाइजरों को कई निर्देश मिले। सुपरवाइजरों को शहर के विभिन्न इलाकों में प्रमुख मार्ग, चौक चौराहों पर सफाई, कचरे का उठाव, ब्लीचिंग पाउडर एवं लार्वानाशी रसायन छिड़काव करने को कहा है। इसके अलावा मुख्य मार्गों के चौराहों पर लगी महापुरुषों की प्रतिमाओं की सफाई, रंग रोगन और स्ट्रीट लाइट को समय रहते दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। उपनगर आयुक्त ने एनफोर्समेंट शाखा को नो वेडिंग जोन में लगने वाली दुकानों को हटाने, सड़क का अतिक्रमण करने वालों, फल विक्रेताओं समेत अन्य व्यवसाय करने वालों द्वारा आसपास गंदगी फैलाने पर कार्रवाई को कहा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छठा वेतनमान पाने वाले कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा। छठा वेतनमान पाने वाले राज्य सरकार के कर्मियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। कर्मियों का महंगाई भत्ता 203% से बढ़ाकर 212% कर दिया गया है। वही पंचम वेतनमान वाले राज्य सरकार के कर्मियों का महंगाई भत्ता 381% से बढ़ाकर 396% कर दिया गया है। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई है। वही 11 महिला और डिग्री महाविद्यालय में पद और संकाय का सृजन। सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के 11 महिला और डिग्री महाविद्यालय में पदों का सृजन व संकाय की स्वीकृति झारखंड कैबिनेट ने दे दी है। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया है कि नव स्थापित डिग्री व महिला महाविद्यालय में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक और शिक्षकेतर कर्मचारी के पद सृजित किए गए हैं। वही उग्रवाद प्रभावित 16 जिलों के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में कुल 496 पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा उच्च न्यायालय में 87 राज्यपात्रित व अराजपात्रित कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए भी पदों का सृजन किया गया है।
अज्ञात अपराधियों ने की अंधाधुंध फायरिंग, एक ग्रामीण पर चार बार चलाई गोली, बाल बाल बची जान। लातेहार जिला के सदर थाना क्षेत्र के डालडा फैक्ट्री पर स्थित सीआरपीएफ 214 बटालियन के कैंप परिसर के समीप कब्रिस्तान के पास शुक्रवार की सुबह अज्ञात अपराधियों के द्वारा अंधाधुंध गोली चलाई गई, जिससे स्टेशन मोहल्ला निवासी ग्रामीण संदीप यादव बाल बाल बच गए। संदीप यादव ने बताया कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए अपने घर से निकलकर घूम रहा था, तभी अपराधियों के द्वारा बाइक से पहुंचकर गोली चला दिया गया, जिससे मैं बाल बाल बच गया। उन्होंने कहा कि चार बार गोली मारने का प्रयास किया गया, लेकिन मैंने भागकर अपनी जान बचाई। वही घटना की सूचना पाकर लातेहार पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और आसपास के लोगों से पूछताछ कर सारे पहलुओं को एक साथ रखकर जांच शुरू कर दिए हैं। इधर गोली चलने की घटना की सूचना पाकर लातेहार के लोगों के द्वारा संदीप यादव से मिलकर कुशल छिन पूछा। घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। नगर विकास विभाग जेपीएससी के कैलेंडर का पहला रिजल्ट जारी। 16 अकाउंटेंट की नियुक्ति, रोशनी टॉप बनी टॉपर। जेपीएससी ने इस माह जारी नियुक्ति कैलेंडर का पहला रिजल्ट गुरुवार को जारी कर दिया। नगर विकास विभाग में चयनित अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लेने के बाद जेपीएससी अध्यक्ष डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेटा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद 16 अकाउंटेंट की सीधी भर्ती परीक्षा का परिणाम देर रात जेपीएससी की वेबसाइट पर जारी कर दिया। एसटी कोटा की रोशनी टॉपो ने पहला स्थान प्राप्त किया। अन्य चयनित लोगों में शालिनी, पीयूष तिवारी, कुमारी सुभा जायसवाल, उपेंद्र ठाकुर, चंद्रगुप्त, अशोक वर्धन, गौरव प्रभाकर कुमार, कुमारी पूर्णिमा, चंदन सिंह, अमित चौरसिया, अमित टोप्पो, धनेंद्र कुमार, संजय उरांव, चंद्रदीप उरांव, राजेंद्र रविदास व प्रशांत कुमार शामिल हैं। पलामू में पकड़ी गई नकली शराब की फैक्ट्री, भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त। जिला में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान पलामू में नकली शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई है। इस शराब की फैक्ट्री से उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में नकली शराब बरामद किया है। मौके से करीब 90 पेटी के नकली शराब बरामद किए गए हैं। नकली शराब फैक्ट्री का संचालन करने के आरोप में उत्पाद विभाग ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने एयरपोर्ट का किया मुआयना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर रांची एयरपोर्ट पर प्रशासन के अधिकारियों ने बैठक की। इस बैठक में उनके आगमन के उपरांत विमान से उतरने के बाद एयरपोर्ट के अंदर दिए जाने वाले गार्ड ऑफ ऑनर, विशेष विमान की पार्किंग और उसके उपरांत वीआईपी गेट से बाहर निकलने के मार्गों की तैयारी पर चर्चा की गई। इस दौरान अधिकारियों ने इन स्थानों का मुआयना भी किया। इस बैठक में सिटी एसपी समेत पुलिस और प्रशासन के विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे। लोहरदगा में सिंचाई के दौरान हुआ हादसा, 2 किसानों की मौत। जिले के स्नेहा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 2 किसानों की मौत हो गई है। मामले की सूचना मिलने के बाद स्नेहा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस घटना से गांव में कोहराम मच गया है। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्नेहा थाना क्षेत्र के सीठियो पुल के पास खेतों में पटावन करने के लिए गए हुए 2 किसानों की मौत करंट की चपेट में आने की वजह से हो गई है। कहा जा रहा है कि सीठियो गाँव निवासी कंचन साहू और विश्राम उरांव शुक्रवार की सुबह कोयल नदी सीठियो तट पर खेतों में सिंचाई करने के लिए गए हुए थे। सिंचाई के लिए बिजली का मोटर लगाया गया था। इसी दौरान दोनों बिजली के करंट की चपेट में आ गए, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। दोनों की मौत का पता उस वक्त चला जब वहां से गुजर रहे ग्रामीणों ने उन्हें बेसुध पड़ा हुआ देखा। तब पास जाकर देखा तो दोनों को मृत पाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने मामले की सूचना स्नेहा थाना पुलिस को दी, जिसके बाद स्नेहा थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। रांची के हटिया स्टेशन में लगेगी 2 स्वचालित सीढ़ी, बुजुर्ग व विकलांग यात्रियों को होगी सुविधा। हटिया रेलवे स्टेशन पर बुजुर्ग व विकलांग यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर एक एक स्वचालित सीढ़ी नीचे उतरने के लिए लगाई जाएगी। स्टेशन पर वर्तमान में प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर एक एक स्वचालित सीढ़ी लगी है, लेकिन यह सिर्फ ऊपर जाने के लिए है। वही यह आए दिन खराब रहती है, इससे यात्रियों को परेशानी होती है। डीआरएम प्रदीप गुप्ता ने कहा है कि 2 स्वचालित सीढ़ी लगाने की अनुमति दक्षिण पूर्व रेल मुख्यालय से मिल गई है, जल्द ही इसे लगाने का कार्य शुरू होगा। वहीं पहले से लगे 2 स्वचालित सीढ़ियों को भी दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मोरी व लोहरदगा स्टेशन में जल्द ही लिफ्ट लगाई जाएगी। दूसरे राज्य से यूजी मेडिकल छात्र कर सकेंगे पीजी। दूसरे राज्यों से एमबीबीएस बीडीएस करने वाले मेडिकल के छात्र झारखंड में राज्य कोटे से पीजी कर सकेंगे। इसके लिए झारखंड का स्थानीय निवासी होना या चिकित्सा के रूप में कार्यरत होने आवश्यक हैं। ऐसे छात्र भी पीजी में राज्य कोटे की सीटों पर नामांकन के लिए पात्र होंगे। पहले झारखंड के मेडिकल कॉलेजों से ही एमबीबीएस करने वाले छात्र यहाँ राज्य कोटे से पीजी कर सकते थे। कमलेश उरांव हत्याकांड मामला, प्रेम प्रसंग के कारण हुई थी हत्या, आरोपित गिरफ्तार। लातेहार जिला के हिरहंज थाना अंतर्गत ग्राम होंजर
तेतरताड़ के पास 4 नवंबर को कमलेश उरांव हत्याकांड का उद्भेदन हेरहंज पुलिस ने 6 दिनों के अंदर कर लिया है। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय कक्ष में पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन प्रेस वार्ता कर बताया कि हेरहंज थाना अंतर्गत होंजर तेतरताड़ के पास 4 नवंबर की शाम एक अज्ञात व्यक्ति को पत्थर से कोचकर हत्या कर दिया गया था, जिसमें 5 नवंबर 2022 को सूचना मिलने पर पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया था। गिरिडीह में फरार अपराधी के घर इश्तिहार चस्पा सरेंडर न करने पर घर की होगी कुर्की जब्त। जिला के बेंगाबाद पुलिस ने 8 साल से फरार चल रहे हत्या आरोपी के घर इश्तिहार चिपकाकर सरेंडर करने की चेतावनी दी है। सरेंडर नहीं करने की सूरत में अपराधी के घर की कुर्की जब्त की कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय के आदेशानुसार यह कार्रवाई की गई है। गिरिडीह में हत्या के मामले में आरोपी राजा हांसदा के घर पुलिस ने पोस्टर चस्पा किया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।